7th class, after the reading of the story of an invitation, we shall move towards its exercise, and our first activity is comprehension. Answer the following questions. Our first word is, in what respects were two girls different from each other? दोनों लड़कियां जो है एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ कैसे थी, ठीक है? And for the answer of these questions, we shall move towards our notes. Our first answer, the answer of our first question is, Bertha was bright, pretty and popular. Grace was grave, quiet girl, dressed in mourning and quite alone in the world. In this way, the personality of the two girls was quite different from each other. And our second question is, how did Grace celebrate the good news she had received? जो good news उसने receive की थी, उसने उसको celebrate कैसे किया? And the answer of this question is, she celebrated the good news by buying some sweets. उसने कुछ sweets buy करके उसको celebrate किया था. Our third question is, What do we learn about the aunt from what Grace says about her? जो Grace उनके बारे में कहती है, ठीक है, उससे हमें aunt के बारे में क्या पता चलता है कि वो किस किस्म की लेडी है, ठीक है? Let's see what she says. We learned that aunt is dear, sweet and jolly person. She is also kind, generous and understanding. ठीक है? Next हमारा question है, what do you think is meant by the statement Mary and Lou and Lil are girls after your own heart? ठीक है? And the answer of this question is, it means that the girls have similar temperaments and interests. उनका temperament, उनका मिजाज और उनकी interest जो हैं वो same इस जैसे ही हैं जैसे बर्था के हैं, ठीक है? Our next question is, what made Grace wistful? किस चीज़ ने ग्रेस को जो वो सैड और विस्टफुल कर दिया था, ठीक है? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट ग्रेस वॉज मेड विस्टफुल बाय द फैक्ट दैट बर्था हैज़ हर आंट हु लव्ड हर एंड प्लान फॉर हर. ग्रेस हैज़ नो फैमिली टू डू दिस फॉर हर, क्योंकि बर्था के पास एक आंट थी जो उसके लिए प्लानिंग करती थी, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बट ग्रेस के पास कुछ भी नहीं था बिकॉज उसकी फैमिली भी नहीं थी, कोई आंटी भी नहीं थी. दैट्स वाई शी बिकेम सैड एंड विस्टफुल. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड बर्था थिंक इट वॉज अ गुड आइडिया फॉर ग्रेस टू वर्क एट क्लार्कमैन्स ऑल समर? बर्था क्या समझती थी, क्या सोचती थी कि क्या ग्रेस का जो है क्लार्कमैन्स के बुक्स शॉप पे सारा समर पूरी गर्मियाँ का सीज़न जो है गर्मियों का सीज़न वहाँ पे काम करना उसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? नो, बर्था डिड नॉट थिंक इट वाज अ गुड आइडिया फॉर ग्रेस टू वर्क एट क्लार्कमैन्स ऑल द समर. शी थॉट ग्रेस नीडेड अ रेस्ट. वो सोचती थी कि इसको जो है वो रेस्ट करने की ज़रूरत है. जी स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी शैल मूव टूवर्ड आर नेक्स्ट एक्टिविटी एंड इट्स वर्किंग विद वर्ड्स. यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. आर फर्स्ट वर्ड इज मॉर्निंग, सेकेंड फिटिंगली, आफ्टर योर ओन हार्ट, विशफुली, डॉटेड, सोलमली, ऑन पर्पज, थिंकिंग मी अनग्रेटफुल, ऑर्डियल, इंटेंट टू. जी 7th क्लास, हियर यू कैन फाइंड द वर्ड्स एंड सेंटेंसेज ऑफ दिस वर्ड वर्ड्स ऑन योर नोट्स. आर फर्स्ट वर्ड इज मॉर्निंग. मॉर्निंग होता है यानी कि दुख का और गम का लिबास पहनना, यानी कि गम मनाना. शी वोर ब्लैक ड्रेस टू शो मॉर्निंग, ठीक है? नेक्स्ट है फिटिंगली. फिटिंगली होता है प्रॉपरली. शी वॉज ड्रेस्ड अप फिटिंगली या फिर प्रॉपरली, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है आफ्टर योर ओन हार्ट. बिल्कुल आप जैसी ही हैं, ठीक है, सेम इंटरेस्ट है उनके, सेम टेम्परामेंट है. यू आर आफ्टर योर ओन हार्ट, ठीक है, ये भी हो सकता है. एंड ये भी आप कह सकते हैं बर्था शी हैज़ अ फ्रेंड हु इज़ आफ्टर हर ओन हार्ट, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है जी विशफुल. विशफुली होता है आई विशफुली टोल्ड अबाउट द डेथ ऑफ माई ग्रैंड फादर. नेक्स्ट हमारे पास है डॉटेड. डॉटेड मीन होता है सडनली अपेयर, ठीक है, एन आइडिया ऑफ डेकोरेशन डॉटेड इन माई माइंड. सोलमली होता है सीरियसली. द जज सैट सोलमली, ठीक है. ऑन पर्पज, किसी मकसद के तहत करना. आई मेड अ डील ऑन पर्पज. थिंक मी अनग्रेटफुल, यानी मुझे ना शुक्रा नहीं समझें, ठीक है, डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल. नेक्स्ट आपके पास है कॉर्डियल. कॉर्डियल होता है वार्म. आई रोट अ कॉर्डियल लेटर टू ऑफ इन्विटेशन टू माई फ्रेंड. लास्ट वर्ड है हमारे पास इंटेंट. इंटेंट होता है अरादा करना. आई इंटेंट टू मेक हर हैप्पी. जी स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट एक्टिविटी इज कम्प्लीट द क्रॉसवर्ड्स बाय सॉल्विंग द क्लूज. ऑल द वर्ड्स अपेयर इन द स्टोरी.
अपार्ट फ्रॉम वन, ठीक है, विच वन, लेट्स सी। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, व्हेन समथिंग इज़ फिनिश्ड और कम्प्लीटेड वी से इट हैज़ एंडेड, ठीक है, एंड वी शैल राइट द वर्ड एंड इन दिस एंडेड इन दिस वे, ठीक है, एंडेड इन अक्रॉस वे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट लाइज, जब आप झूठ नहीं बोलते तो क्या होता है, ट्रूथ, ट्रूथ को आप सेकेंड ऑप्शन में राइट करेंगे, TRUTH। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वी हैव पुट ऑन आर क्लॉथ्स वी आर ड्रेस्ड, जब हम कपड़े पहन लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, ड्रेस्ड, DRESSED, ड्रेस्ड, आप इसको यहाँ राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे समथिंग दैट इज़ लाइक्ड बाय एनी मैनी, जो चीज़ बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, इस पॉपुलर को पॉपुलर हो जाती है, फाइव में आप पॉपुलर राइट कर देंगे। व्हेन यू गेट टू द टॉप ऑफ समथिंग वी से यू हैव क्लाइम्ड इट, ठीक है, क्लाइम्ड का आप वर्ड जो है उसको यहाँ पर एट में राइट करेंगे, CLIMBED, क्लाइम्ड, ठीक है। टू डिलीवर और थिंक दैट समथिंग इज़ ट्रू और अनरियल, ठीक है, सॉरी टू बिलीव और थिंक, ये सोचना दैट समथिंग इज़ ट्रू और अनरियल, ठीक है, इज़ ट्रू और रियल, ये सोचना कि ये चीज़ ट्रू है और रियल है, दैट इज़ कॉल्ड स्पोज, आप स्पोज करते हो, फर्स्ट करते हो कि ये ट्रू है और रियल है, ठीक है, यानी आपको क्लियर नहीं होता बल्कि आप स्पोज कर लेते हो, फर्स्ट कर लेते हो। नॉट क्लियर, नॉट प्रिसाइज, इनडिस्टिंक्ट, ठीक है, दैट इज़ वेग, जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती दैट इज़ वेग, आप इसको यहाँ पर राइट करेंगे वेग को। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास वर्ड है स्कीम्स, अरेंजमेंट्स, प्रोग्राम्स, वो आपके होते हैं प्लान्स, PLANS, प्लान्स को बोलते हैं। फिर बेटे आपके पास वर्ड है डाउन का, ठीक है, और ये आपने डाउनवर्ड, इन वर्ड्स को यहाँ पर डाउनवर्ड राइट करना है, टू गेट अवे फ्रॉम, टू गेट फ्री, किसी चीज़ से दूर चले जाना, उससे आज़ाद हो जाना, कॉल्ड एस्केप, ठीक है। एस्केप का वर्ड आप यहाँ पर वन में राइट कर सकते हैं, वन उन्होंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, ESCAPE, एस्केप, बिकॉज हमारे पास वन ऑप्शन यहाँ पर ही है, ESCAPE, एस्केप, इसको आप डाउनवर्ड्स राइट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास बिलोंगिंग टू देम, उनसे बिलोंग करना इज कॉल्ड देयर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, आप देयर को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, THEIR, देयर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है अ स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट जो है उसे श्रब बोलते हैं, और श्रब को आप यहाँ पर फोर की स्पेस में राइट कर सकते हैं, यहाँ पर SHURB, श्रब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हमारा सिक्स वाला, वट ग्रेस बिकेम आफ्टर ईटिंग वेल एट आंट मैक्स, आंट मैक्स के हाँ बहुत अच्छा खाना खा के वो क्या हो जाती है, वो प्लम्प हो जाती है, ठीक है, इसको आप सिक्स की स्पेस पे राइट कर दें, PLUMP, प्लम्प, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड, ये आप प्लम्प को देख सकते हैं सिक्स में। बेटे हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड है टेक्स इन टू वंस फैमिली बाई लीगल मीन्स, ठीक है, एंड रेजेज एज वंस ओन चाइल्ड, उसको लेना और अपने बच्चों की तरह परवरिश करना, इज कॉल्ड अडॉप्ट्स, ठीक है। अडॉप्ट्स को आप सेवन की प्लेस पे राइट कर लें, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव आर लास्ट वर्ड, शर्ट मीन होता है क्लोज करना, और क्लोज को एट की स्पेस पे आप लोग राइट करेंगे, यहाँ पर आपके पास है CLOSE, क्लोज, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। After that, our last activity is tenses in learning about language. Learning about language में हमारे पास हमारी last activity है tenses की। Verb, as you already know, are words that tell us about actions, जो हमें actions के बारे में words, verbs बताते होते हैं। The verb is the most important word in the sentence, since every sentence is about somebody or something, doing or being something, ठीक है, यानी कि हर tense, जो sentence होता है उसमें verb होता है, verb बहुत important होते हैं, जो आपको actions के बारे में बताते हैं, ठीक है, और हर सेंटेंस के अंदर किसी न किसी पर्सन के जो काम कर रहा है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। हमारी स्टेटमेंट जो इससे रिलेटेड है वो ये है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम वर्ब्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड, कुछ वर्ब जो हैं वो इटैलिसाइज्ड कर लिए गए हैं। राइट आउट ईच वर्ड एंड स्टेट इफ इट्स टेंस, ठीक है, आपने हर वर्ड को राइट करना है और उसके स्टेंस के बारे में राइट करना है, ठीक है, पास्ट है वो, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, और सिंपल, परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस कौन सा टेंस है, आपने उसको राइट कर देना है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है बर्था सदरलैंड हरिड होम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड क्लाइम्ब द स्टेयर्स, एंड जो है हमारे पास कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास यहाँ फर्स्ट वर्ब है हरिड और सेकेंड है क्लाइम्ब, ठीक है, दीज आर फ्रॉम सिंपल पास्ट, हरिड सिंपल पास्ट एंड क्लाइम्ब सिंपल पास्ट। आर सेकेंड स्टेटमेंट इज सो देयर इज जस्ट रूम फॉर वन मोर इज ए शोज सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, द देयर नेवर वॉज सच अ डियर स्वीट जोली आंटी इन द वर्ल्ड, वॉज जो है वो सिंपल पास्ट को शो करता है,
नेक्स्ट हमारे पास है बेटे बर्था एंड ग्रेस वर शेयरिंग अ रूम, ठीक है। वर शेयरिंग शोज पास कंटिन्यूस टेंस। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वॉज वर और वर्क फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जो है वो आपके पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है। आई विल डू इट, इट्स सिंपल फ्यूचर। शी हैज़ ग्रोन प्लम्प एंड रोजी, इट शोज सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ हैव के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म जो है वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है। स्टूडेंट्स इट्स ऑल योर एक्सरसाइज एंड आई होप यू नाउ यू विल प्रिपेयर योर एक्सरसाइजेज एंड लेसन्स फॉर योर टेस्ट। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।